आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जाबिर हुसैन पाशा ने गांव में पहुंचकर लोगों को कोरोना बचाव के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद भोजपुर थाना क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली मीटिंग। डाले विचार हाईकमान के आदेश पर आम आदमी पार्टी मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जाबिर हुसैन पाशा ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए भोजपुर थाना क्षेत्र के गाँव में पहुंचकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया और लोगों को मास्क व सैनिटाइजर बांटे। जाबिर हुसैन पाशा ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार कोरोना ऑक्सीमीटर में कालाबाजारी कर रही है। जो कोरोना ऑक्सीमीटर 250 का मिल रहा है, वह ऑक्सीमीटर योगी सरकार 2800 रुपए का बेच रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनता का खून चूस रही है और जनता और किसानों का उत्पीड़न कर रही है। हम इस सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे और योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर हुसैन एडवोकेट है और मैं मुरादाबाद का आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो मीटिंग ये कहाँ की है और किस विषय को लेकर की है? हम सारी विधानसभाओं में निकले, हमारी पार्टी की तरफ से जो है कोरोना जांच के लिए प्रत्येक विधानसभा में ऑक्सीमीटर भेजे गए हैं और हम गांव-गांव जाके हमारा ये अभियान 1.5 महीने से लगातार जारी है। आज हम अपने विधानसभा अध्यक्षों को इकट्ठा करके एक अभी गोड़दोराय पर मीटिंग की, एक भोजपुर में हुई है, अभी अब हम जाहिदपुर के गाँव हैं, विधानसभा अध्यक्ष के गाँव में जा रहे हैं। और आज हमारा जो संजय भैया हैं, मेरे निर्देश उनका आया प्राप्त हुआ है कि जो योगी सरकार ने इस घोटाला इतना बड़ा किया है, सैनिटाइजर इसमें ये जो ऑक्सीमीटर हैं खरीदे हैं, एनालाइजर खरीदे हैं, तो जो ये ऑक्सीमीटर है देखें ना, ये ऑक्सीमीटर है जिसकी कीमत कुल 250 रुपये है, जो हमारी सरकार ने केजरीवाल जी ने खरीद के हमें भेजे हैं और ये इन्होंने योगी सरकार ने 2800 रुपये में बेचा, उसका बिल जो कटाया 2800 रुपये, जबकि ये 250 रुपये में आता है। मोल एनालाइजर जो कुल 1,20,000 का मिलता है, योगी सरकार ने वो 3,00,000 का बिल काटा है। ये सारे घोटाले अभी योगी सरकार में उजागर हुए हैं और ये सुल्तानपुर से शुरू हुए हैं। पहले हमारे जो माननीय सांसद जी हैं संजय भैया, उनका गृह जनपद है सुल्तानपुर में उन्होंने इस घोटाले की उजागर किया और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में ये अब 65 जिलों में FIR हो चुकी है, जाँच है, 10 जिलों में एनालाइजर, 20 जिलों में एनालाइजर की जाँच है, इतने 75 जिलों की जांच है। 3 IAS अधिकारी के अंडर में इन्होंने टाइम दिया SIT को 10 दिन का, 10 दिन के अंदर वो जो SIT के अधिकारी हैं वो किस चीज़ से उड़ के पहुँचेंगे? स्पेंडर मैन तो है नहीं, वो स्पाइडर मैन के उड़ के यहाँ पहुँच गए, उड़ के वहाँ पहुँच गए, वो भी ऐसे ही पहुँचेंगे, तो 10 दिन में वो कैसे अपनी पूरी जाँच करेंगे? इसलिए हमारी मांग यह है कि इस सारे घोटाले की, ऑक्सीमीटर की, एनालाइजर की, जो भी कोरोना से संबंधित घोटाले वो योगी सरकार में हुए हैं, उनकी जांच जो मौजूदा जज है उसकी निगरानी में करे जाएं, या फिर इसकी जांच CBI करे इसकी, ताकि इसकी पूरी दूध का दूध पानी का पानी हो। योगी सरकार बिल्कुल गुंडों की सरकार है, हर किसी जो आवाज़ बुलंद करता है उसके खिलाफ FIR करती है। हमारे संजय भैया के खिलाफ जो क्या इसके खिलाफ बोल रहे हैं लगातार कोरोना पर, 16 FIR कर चुकी है योगी सरकार। तो हमारी ये मांग है कि जो भी हैं अब हमारे साथ, आज जो हम निकले हैं साथी, ये हमारे जिला कमेटी के सचिव हैं सुशील शुक्ला जी, ये सह सचिव हैं मधु मास्टर, ये हमारे दिल्ली प्रदेश से आए हैं केजरीवाल जी टीम के, वो हैं मुरादाबाद के प्रभारी हैं आमिर भाई। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे, आज के बाद इस साल जो है प्रधानी से लेके BDC, जिला पंचायत, MLA तक हमारी सरकार इलेक्शन लड़ेगी, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जनता से हम चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार को UP में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदे जो दिल्ली में मिल रहे हैं, दिल्ली मॉडल है वो, दिल्ली मॉडल यहाँ विकसित किया जाए। दिल्ली मॉडल पे अगर हमारी यहाँ की सरकार होगी तो जनता का भला होगा और सारे के सारे जितने भी गरीब जनता है उसका भलाई इसी में है कि केजरीवाल को UP में लाया जाए, केजरीवाल की जितनी भी नीतियाँ हैं, संजय भैया मुख्यमंत्री बनाए जाएँ। अगर दिल्ली में यहाँ पर UP में सरकार आती है तो संजय भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जो संजय भैया हैं वो लगातार गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, TV पे आप देखते होंगे संजय भैया हमेशा गरीबों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद की है। आमिर भाई से मैं कहूँगा, हमारे सैन्य प्रभारी जी हैं, वो भी अपने कुछ विचार हैं। देखो, मेरा नाम आमिर हसन है, दिल्ली से आया हूँ, कोरोना उसके प्रभारी बना के भेजा है मुझे दिल्ली सरकार ने। साथियों, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है इस टाइम सबसे बुरी हालत कंडीशन उत्तर प्रदेश की है, चाहे बिजली को हो लेकर हो, चाहे प्रबंधन सफर का हो, जिसका मामला हो, जितने भी लोग आजकल युवाओं को इतना परेशान करा जा रहा है, नाके नाके पे, गली मोहल्लों पर, कोनों कोनों पर पुलिस वाले एकदम गाड़ियाँ रोक लेते हैं,
बहुत गलत हिसाब किताब बना रखा है इन्होंने। इतना ख़राब मामला बना दिया है कि लोग कहीं के भी कुछ नहीं, गरीब आदमी खा कमा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता। पुलिस मनमानी कर रही है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इनको 1% टेंशन नहीं है। माननीय संजय सिंह जी ने और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो हिसाब बनाया है, जो योजना तैयार करी है, उस हिसाब से हम गली गली जाकर कोरोना की जितने भी सारे ऑक्सीजन कैंप हम चला रहे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ बने, तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल रहा है। काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली की तरह यहाँ पर भी, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने।